हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी स्टार्ट करने वाले हम थर्ड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से बजट के कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या मतलब होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं थर्ड पार्ट में। अगर आपने वो समझ लिया है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी समझने में। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, तो पहले उसको समझिए, उसके बाद इसको देखिएगा। मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा। ओके, तो इसको बढ़ाते हैं आगे। इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है बैलेंस सरप्लस डेफिसिट बजट। तो ये जैसा ही इसका जैसा नाम है उसी तरह की इसकी मीनिंग भी है। तो बैलेंस बजट कब होगा? जब जितना आपका इनकम है उतना आपका एक्सपेंडिचर होगा, यानी इनकम और आपके खर्चा इक्वल होगा तो उसको बैलेंस बजट कहेंगे। सरप्लस बजट कब कहेंगे? जब आपका इनकम ज़्यादा होगा आपके एक्सपेंडिचर से तो उसको सरप्लस कहेंगे। और डेफिसिट बजट कब कहेंगे? जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा आपके इनकम से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो गवर्नमेंट जो डेफिसिट होता है उसको कैसे हम मेजर करते हैं? इसके तीन तरीके हैं। एक है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, तो अब देखिए रेवेन्यू जो बजट था उसमें कौन सी चीज़ें आती थी ये आपको याद होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट में ये मैंने बताया है। तो जो रेवेन्यू बजट होता है इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर के जो इनकम यानी कि रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आते हैं। यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है तो 2018-19 में जितने रिसिप्ट यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर आएंगे उसी को हम रेवेन्यू बजट में काउंट करते हैं। ठीक, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, आपने देखा था कि रेवेन्यू बजट के दो पार्ट थे, एक रेवेन्यू रिसिप्ट था एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो इनको हम माइनस कर देंगे तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। और इसमें कौन से खर्चे या इनकम आते हैं रेवेन्यू बजट में? जो करंट फाइनेंशियल ईयर के होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिसिट होगा इसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट हैव टू बोरो टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो रेवेन्यू डेफिसिट आपको हुआ, मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपये, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये आपको इनकम हुआ, अपने 100 रुपये खर्चा किया, तो आपको जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ वो कितना हुआ? -10, यानी कि 10 रुपये का आपको डेफिसिट हुआ। ठीक है, तो ये जो 10 रुपये का डेफिसिट हुआ इसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा? तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें बोरो करना पड़ता है बाहर से। चाहे हम इसको कंपनसेट इन्वेस्टमेंट को फिनेंस करने के लिए करें या फिर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए करें। आखिर ये डेफिसिट क्यों आया? ये डेफिसिट इसलिए आया क्योंकि हमने कंजम्पशन पर ज़्यादा खर्च किए। ठीक है, तो ये 10 रुपये हमने एक्स्ट्रा खर्च किया कंजम्पशन पर जिसके वजह से ये डेफिसिट आया। तो यानी कि कंजम्पशन को कंपनसेट करने के लिए साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को फिनेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बोरो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए हम 10 रुपये बोरो करेंगे बाहर से। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू डेफिसिट बताया गया कि हमने कितना बोरोइंग बाहर से, कितना हमने उधार लिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से एक होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है कि टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी कि बोरोइंग के छोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर दो तरीके के हुए, कौन से? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लस एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या हुआ आपका? ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ये डिवाइड बाई नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, माइनस टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, RR मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस CR मतलब कैपिटल रिसिप्ट।
ये हम ऐड कर देंगे, लेकिन कैपिटल रिसीट में ये जो हमारी बोरोइंग होती है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो कैपिटल रिसिप्ट होता है इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, बोरोइंग को। कैपिटल रिसिप्ट कैसे होता है? कैपिटल रिसिप्ट में चीजें क्या होती है, तो हम अपने फाइनेंशियल जो एसेट है उसको कम करते हैं, या फिर हम लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो लायबिलिटी क्रिएट कैसे होती है, बोरोइंग हम लेते हैं, जब बाहर से उधार लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, साथ ही साथ वो जो उधार हमने अमाउंट लिया उसको भी हमें रीपेमेंट करना पड़ता है, तो इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। अगर हमारे कहीं पीएसयूज में अगर हमारे कहीं शेयर होल्डिंग है उसको हम बेचते हैं, तो हमारा फाइनेंशियल जो एसेट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जो कैपिटल रिसिप्ट है इसमें जो लायबिलिटी वाला सेक्शन है उसको हम हटा देंगे, यानी कि लोन को हम एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट कम होता है, यानी कि अगर हम शेयर होल्डिंग कहीं बेचते हैं अपनी, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, इसके जगह पे हम थोड़ा और इसको ब्रॉड करके लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो टेंशन नहीं लेना है, वही चीज है। मैंने फिर कहा अगर आपको सेकेंड पार्ट समझ में आया हुआ है तो ये पार्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगेन अब यहाँ पर जो डेफिसिट आया, अपने एक्सपेंडिचर हुआ और ये रिसिप्ट हुआ यानी इनकम हुआ, इन दोनों को माइनस करने पर अगेन एक डेफिसिट आया। ये डेफिसिट कैसे फुलफिल होगा, ये भी बोरोइंग से फुलफिल किया जाएगा, यानी कि उसी की तरह जैसे यहाँ पर हुआ, 100 रुपये हम मान लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर हो गया गवर्नमेंट का, 90 रुपये टोटल रिसिप्ट हो गया, ठीक, इसको माइनस किए तो हमें 10 रुपये का नुकसान हुआ। इस 10 रुपये को हमने बोरोइंग से फुलफिल की, यानी कि 10 रुपये हम बोरो करके लाए, ठीक है। तो अगेन फिजिकल डेफिसिट ने भी क्या बताया, फिजिकल डेफिसिट ने भी बताया कि हमने कितनी बोरोइंग की, ठीक है, क्योंकि इसको फिनेंस ही किया जाता है बोरोइंग के थ्रू। तो 10 रुपये का आपको नुकसान हुआ तो आपको 10 रुपये बोरोइंग से फिनेंस करना है। तो इसे ये पता चल जाता है कि अगर आपको बता दिया जाए कि फिजिकल डेफिसिट 20 रुपये है, कहा जाए कि फिजिकल डेफिसिट 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये लोन लिया गया बाहर से, बोरो किया गया डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए, तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, ठीक है। अब बोरोइंग जो होती है ये कई तरीके से होती है, एक डोमेस्टिक बोरोइंग होती है, ठीक है, एक डोमेस्टिक बोरोइंग होगी, एक आरबीआई से भी गवर्नमेंट बोरो करती है, साथ ही साथ एब्रॉड यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां से भी बोरो किया जाता है। तो डोमेस्टिक बोरिंग यानी कि विद इन सेम कंट्री, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है, ये क्या करे कि इंडिया के अंदर ही पब्लिक से बोरो करे, अपनी जो सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको बेच के मार्केट से पैसा ले, तो एक ये तरीका होता है बोरिंग करने का जो डोमेस्टिक बोरिंग होती है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि आरबीआई को सिक्योरिटी दे के आरबीआई से पैसे लेती है या फिर न्यू करेंसीज वो प्रिंट करवाती है लोन लेने के लिए, तो आरबीआई से भी लोन लेती है। साथ ही साथ कभी कभी गवर्नमेंट दूसरे देशों से या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन लेके आती है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आपको IMF देता है और भी दूसरे चीज़ों के लिए आपको वर्ल्ड बैंक देता है। इसके अलावा बहुत सारे और बैंक्स हैं जो लोन देते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके से बोरिंग की जाती है और जो गवर्नमेंट होती है वो बोरिंग करती है आपको। प्राइमरी डेफिसिट इसके बाद आता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का मेन पर्पस क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, टू फोकस ऑन प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस, ठीक है। जो प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस है इसको पता करने के लिए प्राइमरी डेफिसिट लाया गया। तो प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, ग्रोस पीडी, मतलब पीडी मतलब प्राइमरी डेफिसिट, ग्रोस फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ ये समझिए, मान लीजिए कि हम किसी को लोन देते हैं, मैंने किसी को लोन दिया तो वो हमें इंटरेस्ट देगा, ठीक है। हमने मान लीजिए किसी को 100 रुपये लोन दिया और वो मुझे 10 रुपये का इंटरेस्ट देता है, ठीक। फिर मान लीजिए किसी ने मुझे लोन दिया तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मान लीजिए किसी ने मुझे 80 रुपये लोन दिया और मुझे 8 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता है,
इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों इंटरेस्ट को, कितना बचा 2 रुपए। ये 2 रुपए जो बता, यही नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, लोन भी देती है, जैसे छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं उनको लोन भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ तो जब लोन प्रोवाइड करती है तो वो कंट्रीज क्या करेंगी, इंटरेस्ट देंगी इंडिया को। अब इंडिया भी लोन लेती है बाहर से, जब बाहर से इंडिया लोन लेती है तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जितना इंटरेस्ट हमने पे किया और जितना इंटरेस्ट हमने लिया, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इसका बीच का जो डिफरेंस होगा यही कहलाएगा नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है कि ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग हमने हटा दी, यानी कि हम जो ये क्या कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट है ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो लोन दिया हुआ है उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो हमारे इनकम में ऐड हो गया। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब हम उसको भी माइनस कर देते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि हमारा डेफिसिट कितना है। ठीक है, इसलिए प्राइमरी डेफिसिट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि और चीज़ों को रिफाइन किया जा सके। ठीक है, जैसा होता है ना जीडीपी निकालते हैं, फिर जीएनपी निकालते हैं, एनएनपी निकालते हैं, तो जीडीपी में फिर पूरा ये आपको बाहर की कंट्री से कितना आ रहा है, हमारे कंट्रीज में कितना हो रहा है, उसको फिर माइनस करते हैं, फिर डिप्रिसिएशन को आगे जाके माइनस किया जाता है। तो चीज़ों को धीरे जैसे जैसे रिफाइन किया जाता है उसी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट को यूज़ किया गया फिजिकल डेफिसिट को और रिफाइन करने के लिए, जिनकी हमें और एग्जैक्ट पता चल सके कि हमारा डेफिसिट कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे डेफिसिट की, किस तरीके से डेफिसिट को काउंट किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ ये समझिए कि जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है, जिस तरीके से मान लीजिए हमारा भी इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये सैलरी मिलती है। ठीक है, मान लीजिए जीडीपी 10% के हिसाब से बढ़ रहा है और हमें 100 रुपये पर हमें मान लीजिए कि 10% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 90 रुपये बचा। तो अब मान लीजिए कि 10% अगर जीडीपी बढ़ती है तो ठीक है आपका इनकम भी बढ़ता है डिस्पोजेबल। ठीक है, तो मान लीजिए 10% अगर बढ़ता है तो आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा जितनी प्रोपोर्शन में जीडीपी बढ़ती है। तो मान लीजिए जीडीपी 10% बढ़ी तो इनकम भी आपका बढ़ेगा कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए इनकम भी 10% के हिसाब से आपने बढ़ा दिया तो 110 रुपये हो गया। ओके, 110 रुपये हुआ, लेकिन इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है 10%। तो अब इसका यहाँ पर इनकम टैक्स आप 10% देते थे कितना, 10 रुपये। अब यहाँ पर इनकम टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर 10% आपको 11 रुपये देना पड़ेगा, तो आपके पास कितना बचा, यहाँ पर 99 बचा डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ पर कितना बचा था आपको 90 रुपीज डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ देखिए जीडीपी 10% इंक्रीज कर गई, तो क्या यहाँ पर जो डिस्पोजेबल इनकम था वो 10% इंक्रीज किया, यानी कि जीडीपी के प्रोपोर्शन में ये जो डिस्पोजेबल इनकम था वो इंक्रीज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जिस तरीके से इंक्रीज करती है उसी तरीके से डिक्रीज का भी काम होता है, जैसे डिक्रीज करती है जीडीपी उसके प्रोपोर्शन में डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगेन वहां पर इनकम टैक्स लगता है और वो इनकम टैक्स क्या होता है, फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि जीडीपी डिक्रीज कर रही है तो इनकम टैक्स भी डिक्रीज करता है, ऐसा तो नहीं है, इनकम टैक्स वहां पर फिक्स है। तो जैसे जितनी जीडीपी इंक्रीज हुई उस प्रोपोर्शन में डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज नहीं होता है, और जिस प्रोपोर्शन में जीडीपी डिक्रीज होती है उस प्रोपोर्शन में डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, जो आपका डिमांड और सप्लाई होता है ये बना रहता है, ये बैलेंस में रहता है। ठीक है, कि अब देखिए जीडीपी बढ़ रही, इनकम बढ़ गई, लेकिन आपका डिस्पोजेबल इनकम अगर उसके प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा तो आप उतनी चीज़ों का डिमांड नहीं करेंगे। जीडीपी कम हो रही है लेकिन डिस्पोजेबल इनकम आपका उतना कम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप थोड़ा
थोड़ी बहुत अभी डिमांड को बरकरार रखेंगे। यानी दोनों केसेस में क्या होता है कि आपकी जो डिमांड रहती है लगभग एक बैलेंस जैसी सिचुएशन पे चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कहते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। इसमें यह कहा गया कि इन फेस ऑफ हाई डेफिसिट, जब हाई डेफिसिट होती है तो लोग ज्यादा सेव करते हैं, यानी कि मनी को ज्यादा वो सेविंग में रखते हैं। ठीक है, ये ऐसा कहना है इस रिकार्डियन के थ्रू, इक्विवेलेंस के थ्रू। इक्विवेलेंस के यहाँ पर मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब यहाँ ये होता है कि जितना हमें इनकम हुआ हमने वहाँ एक्सपेंडिचर किया। साथ ही साथ मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए $100 लोन लिए, हाँ ये ₹100, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ₹100 लोन लिए। ठीक, और हम यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट हो गया, हम यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट हुआ। ठीक, अब ये भी उस, अब लोन लिया तो हमने इसको अपने इनकम में भी ऐड कर लिया, तो यहाँ पर जब हमने इनकम में ऐड कर लिया तो हमारा क्या होगा, थोड़ा फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर इनकम हो गया। लेकिन क्या आज का जो इनकम है ये हमारे फ्यूचर में भी बरकरार रहेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अभी जो गवर्नमेंट है उसने ₹100 लोन लिए, लेकिन हो सकता है कि अब क्या है कि अब फ्यूचर में भी जो गवर्नमेंट आएगी उसको ये ₹100 भी चुकाना है, साथ साथ इसके इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो अगर इस समय इस ₹100 के लोन के साथ आपने थोड़ा फिजिकल डेफिसिट को कम कर लिया, लेकिन फ्यूचर में ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ने वाला है क्योंकि फ्यूचर गवर्नमेंट जो आएगी उसको ₹100 वापस भी करने हैं विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही है रिकार्डियन इक्विवेलेंस में, क्योंकि फिर लोग क्या होता है ना कि लोग सेविंग करने, ज्यादा सेविंग करने लगते हैं डेफिसिट होती है तो। ठीक है, क्योंकि डेफिसिट होने की वजह से बहुत सी चीजें हैं, आपकी करेंसी डिवेल्यूएट होने लगती है, फिर इन्फ्लेशन भी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। जब इन्फ्लेशन होने लगती है, महंगी होने लगती है चीजें, तो लोग कम खरीदते हैं, सेविंग करना ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी फिक्स सैलरी है, अगर किसी को ₹100 फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर चीजें की कीमत बढ़ गई तो वो थोड़ा ज्यादा सेविंग पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये लोगों की बात नहीं, यहाँ पर एज अ होल नेशन की बात है कि यहाँ पर अभी हमने लोन ले लिया लेकिन हमें बाद में इसे चुकाना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ ऑल अबाउट थर्ड, ये कौन सा चैप्टर था, फिफ्थ चैप्टर का ये थर्ड पार्ट था। होप ये समझ में आया होगा। ये देखिए, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट है। अगर सेकेंड पार्ट आपने नहीं देखा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो पहले देखिए उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, खैर मैंने शुरू में बता दी, लास्ट में बताने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वीडियो पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।